हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। गुड इवनिंग। बैजूस एग्जाम प्रेप में मैं आपका राजू सर एक बहुत दुखद समाचार आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे बीच बिरजू महाराज अब नहीं रहे, तो आइए इनके बारे में वो सारी जानकारियां हम यहाँ देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी का स्वागत है, जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, मेरा नाम राजीव नायक है और आज हम यहाँ बिरजू महाराज जी के बारे में जो है जानने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर बिरजू महाराज जी की बात करें, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक थे और कथक के महान सम्राट के रूप में जाने जाते थे हमारे बिरजू महाराज। तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि सर बिरजू महाराज जिन्हें हम जो हमारे उत्तर प्रदेश की शान थी, उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम बात करें पूरे भारत का जो शान था, आखिर 83 साल की उम्र में जो उनका निधन हुआ जनवरी 2022, तो उनके बारे में क्या क्या सवाल एग्जाम में आने की संभावनाएं है। तो आपको बता दें कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई। जब यह साकेत हॉस्पिटल यानी दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल इन्हें ले जाया जा रहा था, उनके बाद डॉक्टर ने इन्हें चेक किया और डॉक्टर ने इन्हें चेक करने के बाद इन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आइए हम हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर यहां से हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बिरजू महाराज को कथक यानी कथक डांस के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इनको जाना जाता है। इन्होंने एक अलग पहचान दी कथक को, एक अलग पहचान दी। कथक शैली के आचार्य के रूप में भी इन्हें बुलाता बुलाया जाता था, कथक शैली के आचार्य। साथ ही साथ अगर हम बात करें लखनऊ के कालका बिंदादिनी घराने के मुख्य प्रतिनिधित्व के रूप में भी ये थे। आगे की बात करें इनका कथक के अलावा, अगर हम बात करें नृत्य के अलावा, बिरजू महाराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन पर भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। एक अच्छे शास्त्रीय गायक भी थे, कथक के बहुत अच्छे नृत्यकार भी थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, भारत सरकार द्वारा इनको यानी हम बात करें बिरजू महाराज जी को देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है? तो हम हर एक डिटेल को क्रिस्टल क्लियर करते हुए यहाँ पे चलने वाले हैं, हर एक डिटेल को हम क्रिस्टल क्लियर करके चलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल आएंगे आपके एग्जाम में, वो सवाल क्या आएगा कि बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ। तो आपको बता दें कि बिरजू महाराज जी का जो जन्म है वो 4 फरवरी 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 फरवरी 1938 को कहां? लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कालका बिंदादिनी घराने में हुआ था। कहां? कालका बिंदादिन घराने में हुआ था। साथ ही साथ आपको बता दें बचपन में इन्हें दुखहरण कह के भी बुलाया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बचपन में इन्हें दुखहरण कह के बुलाया जाता था और दुखहरण से नाम बदलकर हम कह सकते हैं कि इनका वैसे बचपन का नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था, पर दुखहरण जैसे होता है ना कि अगर मान लो मेरा नाम राजीव है तो घर में हमें प्यार से लोग राज या राजू बुलाते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें इनका रियल नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। कैसे बृजमोहन नाथ मिश्रा एक छोटा सा बालक कैसे बिरजू महाराज बना, आज इसके बारे संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। इससे पहले सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए हम देख पा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, विष्णु, ज्योत्सना, रंजना, आरबी, प्रिया, सभी का स्वागत है। तो आइए एक एक करके क्रिस्टल क्लियर करते हैं हर एक डाउट जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 4 फरवरी 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये पैदा हुए और बचपन से ही, यानी अगर हम बात करें इनके पिताजी बचपन से ही इनको, क्योंकि इनके पिताजी भी कथक नृत्यक थे, एक बहुत ही फेमस नृत्यक थे, और बचपन से ही वो भी चाहते थे हमारा बेटा बड़ा होकर एक बहुत ही प्रख्यात कथक नृत्यक बने, और इसलिए उन्होंने बचपन से इनको तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ महाराज जी था और लखनऊ घराने के अच्छान महाराज भी इनको कहा जाता था। इन लखनऊ घराने में इन्हें अच्छान महाराज भी कहा जाता था, इनके पिताजी जगन्नाथ महाराज को। आपको बता दे कि यहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आने की संभावना है। हर एक फैक्ट जो आप हाईलाइटेड देख रहे हो वो हर एक फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें बचपन से ही इनके पिताजी ने इनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, पर बहुत ही कम उम्र की आयु में, मात्र 9 साल के जब थे बिरजू महाराज, इन्होंने अपने पिता को खो दिया। और पिता के जाने के बाद, यानी ये टूटे नहीं, पिता के जाने के बाद इन्होंने अपने पिता की इच्छाओं को
जो इनकी पिता का इच्छा था उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत किए। यानी एक इंस्पिरेशनल है, वो हर एक के लिए एक इंस्पिरेशनल था कि आप उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो। जिंदगी में प्रॉब्लम सबके साथ आती है, आप देख सकते हो बिरजू महाराज के साथ भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए थे। जब मात्र 9 साल की उम्र के थे इनके पिता का निधन हो गया, मगर इन्होंने अपना एम, जो उनका लक्ष्य था, जो इनके पिताजी चाहते थे, वो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। पिताजी के निधन के बाद अगर हम बात करें, बिरजू महाराज अपने चाचाओं के साथ रहना स्टार्ट कर दिए। इनके चाचा जिनका नाम शंभू और लच्छू महाराज थे, शंभू और लच्छू महाराज ने बिरजू महाराज को प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया। यहां से इनका सफर शुरू होता है और मात्र 16 साल की उम्र में, आपको बता दें, कथक का प्रशिक्षण लेने के बाद मात्र 16 साल की उम्र में बिरजू महाराज ने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी और बहुत ही सराहनीय था। और जैसे जैसे उम्र बीतता गया, 23 साल की उम्र में नई दिल्ली के संगीत भारती में नृत्य की शिक्षा देना इन्होंने शुरू कर दिया। यानी बहुत कम उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, जिम्मेवारी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने समझा और उस मुकाम पे वो पहुंचे जहां पहुंचने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और हम कह सकते हैं कि मात्र 23 साल के उम्र में उन्होंने नृत्य की शिक्षा देना भी शुरू कर दिया। यानी कि जहां अभी तक 23 साल आज के डेट की अगर बात करें, बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एक लंबा समय लगा देते हैं इन नृत्य को सीखने में, यहां 23 साल की उम्र में एक बहुत ही अच्छे एक मेंटर बन चुके थे। आगे की बात करें तो यहां पे आगे क्या होता है। अब आगे की अगर हम बात करें, साल 1998 की है जहां ये अपने आप को रिटायर यानी सेवानिवृत्त होते हैं और उनके बाद दिल्ली में कलाश्रम नामक एक नाट्य विद्यालय भी खोलते हैं। और देन अगर हम बात करें इसके बाद, यहां से इनका जो है सफर वो उसी नाट्य विद्यालय यानी कलाश्रम नाम जो है नाट्य विद्यालय में ही बाकी का समय वो उन्होंने अपना बिताया। आगे की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं हर एक फैक्ट जो हमने आपको बताया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, बिरजू महाराज किसके फेमस थे, तो कथक नृत्य के लिए जाने जाते थे। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहां पे कि वो किस घराने से बिलोंग करते थे, लखनऊ के कालका बिदादिन घराने से वो बिलोंग करते थे, एग्जाम का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज जो है गायन में उनकी पकड़ अच्छी थी, वो किन से जुड़े थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से भी वो जुड़े थे। साथ ही साथ ये भी सवाल आ सकता है बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला है, तो अगर देखा जाए देश का सर्वोच्च यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आगे की बात करें इनका जन्म कब हुआ, 4 फरवरी 1938 को इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ इनके पिताजी का नाम या इनका रियल नाम क्या था, ब्रज मोहन नाथ मिश्रा इनका रियल नाम था। इनके पिताजी का नाम क्या था, जगन्नाथ महाराज जी थे। और इन्हें लखनऊ घराने में किस नाम से बुलाया जाता था, अच्छान महाराज के नाम से भी इन्हें बुलाया जाता था। साथ ही साथ इनके पिताजी का निधन कब हुआ, मात्र 9 साल की उम्र में इनके पिताजी का निधन हुआ और देन इनके बाद इनके चाचाओं ने यानी शंभू और लच्छू महाराज ने इन्हें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के मात्र 16 साल बाद उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। और प्रूफ करने के बाद हम कह सकते हैं कि मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने नृत्य शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो यहां तक आपने देखा कैसे। अब कुछ और एडिशनल फैक्ट की बात करें, बहुत सारी बॉलीवुड की कई फिल्मों में गीतों और नृत्य का निर्देशन भी किया है हमारे बिरजू महाराज ने। शतरंज की खिलाड़ी से लेकर देवदास, देढ़ इसकिया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, दिल तो पागल है और गदर एक प्रेम कथा, ये कुछ फेमस फिल्में हैं जहां इन्होंने नृत्य और गीतों का निर्देशन भी किया है। ये बात याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि शतरंज के खिलाड़ी, देवदास, डेढ़ इसकिया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी, दिल तो पागल है और गदर एक प्रेम कथा जैसी अगर हम बात करें फिल्मों में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने गीत और नृत्य निर्देशन भी किया है। कुछ अवार्ड की बात करते हैं, बहुत सारे अवार्ड बिरजू महाराज जी ने रिसीव किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पद्म विभूषण ही उन्हें मिला है। आपको बता दें 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे महान सर्वोच्च अवार्ड की बात करें, दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये तो सभी को पता है। मगर क्या आपको पता है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
तथा कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट की भी उपाधि दी गई है। हो सकता है कि यह भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि बताइए कि बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की उपाधि कहां से मिली है, तो काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय से। साथ ही साथ साल 2000 की अगर हम बात करें, 2000 में बिरजू महाराज को प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं 2002 की अगर हम बात करें तो बिरजू महाराज को लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें बिरजू महाराज को भरत मुनि अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार और बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे अवार्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ऑबिचुरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। आई होप आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अगर कोई किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हो। फाइनली हम एक चीज कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है हमारे देश को। अब इस लॉस को शायद ही इसे फिल किया जा सकता है, क्योंकि जब एक हानि होती है किसी देश को, कोई देश का एक ऐसा शख्स जब हमसे दूर जाता है तो उनकी कमी को फुलफिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। चलिए, क्लियर है? ओके, हमारे साथ राजेश सर भी आए हैं। राजेश सर का स्वागत है। चलिए, और कोई डाउट अगर आप लोगों का है, डाउट किसी का कुछ नहीं है। राजेश सर का तबियत खराब है जिस कारण से राजेश सर क्लास नहीं ले पाएंगे, सोनू। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे क्लासेस में। आई होप आपको बिरजू महाराज जी के ऊपर सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक आम इंसान यानी बिरज मोहन नाथ मिश्रा कैसे बिरजू महाराज बने, उनका सफर कैसे रहा, किन किन मुसीबतों से वो गुजरे, ये सारा डिटेल आपका आज क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हो कि बैजूस एग्जाम प्रेप के साथ स्टेट पीसीएस की तैयारी करना, तो बिल्कुल आपको बता दें बहुत सारे अट्रैक्टिव कोर्सेस यहाँ पे चलाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान या फिर उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की बात करें, आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। ये सारे एजुकेटर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे गाइड करेंगे और इनके गाइडलाइन में आप अपने आप को फील करोगे कि हमारा जो है प्रिपरेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि बैजूस एग्जाम प्रेप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको लाइव क्लास रिकॉर्डेड दोनों ही बैचेस दी जाएगी, टेस्ट सीरीज, फ्री क्विजेस, फ्री वीडियोस, प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ टॉप फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस होगी, डिजाइन एक्सपर्ट द्वारा आपके कंटेंट को डिजाइन किया जाएगा, डेली स्टडी प्लान आपके साथ शेयर होगा, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज, 100% डाउट रेजोल्यूशन। जब ये सारा कुछ होगा ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड आपका पॉजिटिव दिखेगा। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हो तो ये शुरुआत टेलीग्राम लिंक है, ये ऊपर वाले टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप यहां से भी जुड़ सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स टू ऑल। रंजना हमारे साथ जुड़ी है, दीपाली, संध्या, सोनी, ज्योत्सना। बाकी अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर चाहते हो तो आप रोजाना 12 बजे हमारी क्लासेस को अवेल कर सकते हो बैजूस एग्जाम प्रेप बीपीएससी वाले चैनल पे। थैंक यू।